हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, नहीं 11:15 बज रहे हैं, मैं थोड़ा 15 मिनट पीछे चला गया। तो अभी मतलब हम लोग तो सुबह उठ गए थे आज जल्दी, और सुबह से ऐसे इधर उधर घूम रहे, नाश्ता वास्ता कर लिया हमने सबने, और अभी नहाया नहीं हूँ मैं, नहाऊंगा थोड़ी देर में। और आज है छोटी होली, तो आज होली का दहन भी है, तो मतलब शाम को पूजा होगी, मतलब पूजा करने के लिए जाएंगे जो होली का लगती है ना जगह जगह। तो हमारे एक घर के बराबर वाले ग्राउंड में लगी हुई है, बड़ा सही करके लगा रखा मतलब टेंट वेंट करके, तो वो जाएंगे वहीं पर। और अभी देखो बाहर वो बच्चा आ रखे हैं, मतलब आ रखे हैं, तो अभी बाहर से मैं बुला के लाता हूँ, फिर उसके बाद आज मेरे को नानी के यहाँ भी जाना है, मतलब हम लोग ऐसे जाएंगे ना मिलने के लिए, थोड़ा त्यौहार है इसलिए मिलने के लिए जाएंगे। तो चलेंगे अभी, और गुजिया बनाई तो गुजिया भी ले चलेंगे, क्योंकि देते हैं ना मतलब आस पास रिश्तेदारों में चलता रहता है आदान प्रदान। तो चलेंगे अभी, मैं और पापा जाएंगे, मम्मी तो जाएंगे नहीं, मम्मी कभी घर के काम निपटाएंगी, तो अभी चलते हैं बाहर ही बच्चे खेल रहे हैं। तो इधर ये देखो अपनी पिचकारियों से खेल रहे हैं। पार्थ पार्थ उसे पकड़ा, क्या हो गया मुंह के बना रहे हो, क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ले लो चलो ले लो। तो ये सब मिल गया, अभी मेरे कपड़े गीले कर रहे थे इसलिए मैं भाग गया। नहीं, 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 हम कर रहे थे। पार्थू कर रहा था। तो मैंने अभी पहले मैंने दूसरी टी शर्ट पहन ली थी, उसके बाद मैंने कल भी जो पुरानी टी शर्ट पहन ली थी वो पहन ली, फिर गीला कर देंगे, फिर दूसरी टी शर्ट और खराब जाएगी। तो अभी यही पहन रहते हैं, फिर जब नानी के यहाँ पे जाऊँगा तो पहन लो दूसरी टी शर्ट। तो पापा अभी रेडियो टी वी देख रहे हैं यहाँ पे, और कृष्णा गेम खेलना बैठा हुआ। तो अभी तो छुट्टी है, अभी स्कूल की आज भी कल भी, और 20 तारीख तक छुट्टी है, 21 को जाना आप सीधे, और ट्यूशन भी नहीं जाना है आज तो, ना कल जाना ना परसों जाना है, अब ट्यूशन 20 को जाना है, स्कूल 21 को जाना है। तो अब मजा है हमारे, कुछ दिन अब शांति से आराम करेंगे, आराम तो नहीं है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी है मेरा, एक एग्ज़ाम बचा है कंप्यूटर का, और कृष्णा का भी बचा मैथ का एग्ज़ाम, तो कृष्णा को तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, मेरा थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो अभी पहले मम्मी कुछ बना रही है, पता नहीं, तो ये बनने देते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मैं और पापा। क्या बना रही है? पूड़ियाँ बना रही हूँ। पापा सुबह सुबह पूड़ी चला के डालते हैं, बड़ी देते हैं आवाज में, ये युद्ध चल रहा है ना आजकल, पता नहीं क्या है, बड़ा परेशान कर रहा है आज युद्ध हमारे को, कपड़े भी खा लिए बच्चों ने। ए, मेरे को मत गिना कर, तू वो कैसे चला रहा है जब इसके पीछे का वो तेरे पास है। पार्थ गुस्सा आ रहा जा रहा है ऐसी बातों में। ले ये तो लगा ले, चल कैसे रही है ये, वाह इंजीनियर बनेगा तू बड़े होके। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं नानी के यहाँ पे, और मैंने टी शर्ट से चेंज कर ली, तो चलते हैं जल्दी से, और मम्मी पीछे खड़ी हुई है पार्थ को लेके, कृष्णा भी है, तो ज़्यादा देर का काम नहीं है, बस जाना है, गुजिया देंगे थोड़ी देर मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे फिर जाते हैं, चलते हैं जल्दी से नानी के वहाँ पर चल के मिलेंगे। दोस्तों अभी हम नानी के वहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँच गया और भूल गया वीडियो बनाना, तो वैसे भी ज़्यादा देर रुके नहीं, हम थोड़ी देर के लिए गए थे, पापा जा रहे हैं वापस फिर घर चल के, देखते हैं आज हम और क्या करना है। वैसे शाम को पूजा है, होली होली का दहन है ना आज, तो चलेंगे और पूजा करके आएंगे होली का, फिर तो पहले घर चलेंगे। तो भाई अभी हम घर पे आ गए हैं, और आज पापा खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दाल छोंक रहे हैं अभी तो, और इधर क्या है, इधर पापा ने चावल बना रखे हैं, पापा खुले चावल बना रहे हैं लेकिन बड़े मस्त बनाते हैं यार, खिले खिले, कुकर में ना थोड़े चिपके चिपके से बनता है, लेकिन पापा बढ़िया बनाते हैं खुले। तो मम्मी तो अभी नहाने गई हैं, और जैसे आएंगी तब खाना खाएंगी। सो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और हमारी मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है, मम्मी ने मतलब पूजा के लिए थाली सजाई है, तो इसमें पूड़ी है, गुजिया भी है, और ये मतलब वो बनते हैं दाल की बड़ी, तो वो भी है इसमें, और रंग भी है, हाँ तो ये मतलब ये माला से बनते हैं ना एक, तो मतलब वो भी चढ़ते हैं होली का पे, तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम फिर होली का पूजेंगे। और भैया यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, तो देखो मतलब इसकी जो रेडियो की वो निकलाता है एंटी ना, वो देखो तो हो जाएगा उसमें, दे जरा क्या छोड़ दी ऐसे, मतलब ये नया रेडियो है या पुराना नहीं है ना, और देखो फिर क्या कर रहा है, अब मोड़ कर रहा है इसको, मोड़ रहा है क्या है ये।
एंटीना है रबर का तार। क्या है बंदे बंदे तो गाने तो बज रहे हैं इसके अंदर अभी, वॉल्यूम डाउन कर। गाने तो बज रहे हैं इसके अंदर तब ठीक है, टूटा नहीं। सुबह अभी हम जा रहे हैं घर से बाहर होली पूछने के लिए, तो अभी भैया थाली लेके खड़ा है और पापा लोटे में वो लेके खड़े हैं जल, मम्मी लॉक लगा रही है। क्या हो गया? पता नहीं रो क्यों रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है शायद। चलते हैं होली के पास और पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे होली का सब प्रोग्राम है पूरा, तो अब यहीं पे चलते हैं, पहले होली का पूजन करेंगे। और बड़ा सही सजा रखा है वैसे तो, चलते हैं जल्दी से अंदर, फिर उसके बाद दिखाता हूँ अंदर से। तो यहाँ पे बड़ा काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है वैसे अधिकतर, मतलब आसपास के इलाके में सबसे सही पूरा एरिया में पूरा बढ़िया सा अरेंजमेंट यहीं पर रखा है वैसे तो। और तो चलते हैं अंदर, गाने भी बज रहे हैं यहाँ पे, तो पहले पूजन करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, तो पापा अभी नीचे स्वास्तिक बना रहे हैं मतलब गुलाल से, फिर उसके बाद आगे की पूजा की तैयारी देखते हैं कैसे कैसे होती है, पापा बताएंगे सब कुछ, पापा को आती है अच्छे से। तो ये जो हमने माला बना के लाए थे वो तो चढ़ानी है अभी यहीं पर, और ये सारा सामान भी यहीं पर चढ़ेगा वैसे तो। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कलर से टीका वीका लगा के शगुन के लिए फिर जाएंगे घर पर। तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ग्राउंड में है, तो एकदम आ गए। पार्थ हाँ बेटा टीका लगवा लो। अब कृष्णा के लगाते हैं। तो तिलक भी हो गया हम सबका, अब आगे की तैयारी देखते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे जो हमने गुजिया लेके आए हैं अब वो चढ़ेंगे होलिका पे, तो पहले पापा संकल्प करेंगे फिर उसके बाद चढ़ाएंगे। ये वाला भी चढ़ेगा? अब पहले गुलाल गुलाल चढ़ाते हैं। तो गुलाल भी चढ़ा दिया, अब यहाँ के हमें परिक्रमा करनी होती है ना, मतलब 7 चक्कर लगाने होते हैं, तो उसमें पहले पापा आगे रहेंगे, मैं पापा के पीछे, फिर मेरे पीछे कृष्णा, तो मम्मी नहीं लगाएंगी क्योंकि पापा ऐसे कहते हैं पता नहीं क्यों। मम्मी तुम भी लगाओगी ना परिक्रमा? नहीं हाँ मम्मी भी लगाएंगी। अरे वो गोवर्धन पे नहीं लगाते, दशहरे पे मैं त्योहारों को मिक्स कर रहा हूँ बैठा हुआ। मम्मी भी लगाएंगी, ये गलत फहमी है मेरी। तो अब जल चढ़ाते हुए परिक्रमा करनी है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं।
तो अब यहाँ पे हम गुलाल लगा रहे हैं, होली की स्टार्टिंग कर रहे हैं, मेरे भी लगा रहे हैं पापा, तो मैं भी लगाता हूँ पापा के। हैप्पी होली। वाह, अपने मुंह से कह रहे हैं। तो देखो मेरे मुंह पे वो वोट डाला था, हल्का हल्का लगाते हैं यार, सेकंड के लिए इतना इतना वोट लगाता है, तो पार्ट के भी लगा दिया है, तो पार्ट पूरे फोन पे कलर ही कलर हो गया, पहले फोन साफ कर लेता हूँ, तो मम्मी के भी लगाता हूँ, मम्मी के रह गया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, पार्ट ले, हैप्पी होली, सब पूरे कलर में हो गए, तो पूरी पूजा कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं घर। दोस्तों अभी पूरा सबके कलर लग गया है और सबके कपड़े वपड़े भी सब अलग हो गए, मेरे सबसे अलग हो गए हैं, पूरे इधर कंधे तक, पूरे ऊपर तक, और मुँह भी मेरा गंदा हो रहा पूरा। तो अब चलते हैं घर। हैप्पी होली आप सबको हमारी तरफ से, तो आज तो छोटी होली है, कल सुबह बड़ी होली है, तो अभी 11-12 बजे के आसपास यहाँ पर होली का दहन होगा, तब आएंगे मैं सोच रहा हूँ, मतलब इसी वीडियो में। तो फिलहाल तो पहले घर चलते हैं, खाना होने की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद रात को 11-12 बजे यहाँ पे आएंगे, मज़ा आएगा। पहली बार मैंने आज तक होली का दहन देखा नहीं है कभी, इस बार वीडियो के चक्कर में वो भी देख लेंगे। चलो फिर। तो दोस्तों अभी हम घर पे आ गए हैं, देखो पार्थ कितना क्यूट लग रहा है कलर लगा के। तो अभी मतलब थोड़ी देर में अब कलर वलर साफ करते हैं, पहले ये जो लगा के आए हैं, क्योंकि वरना फिर पूरे बिस्तर में हो जाएगा, तो पूरा बिस्तर धोना पड़ जाएगा अभी, क्योंकि कल तो होगा, और अभी कलर लगा रखा, तो अभी अभी थोड़ा फोटो खींच लेते हैं पहले, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। निकल गया। क्या हो गया? देखो भैया। देख लिया? कैसा लग रहा तू? देखो तो कैसा लग रहा है? पूरा जोकर लग रहा है। तो गाइस मैंने वैसे तो पूरा कलर साफ कर दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत शगुन के लिए लगा लिया मैंने, अच्छा लगता है ना, मतलब होली का लगता है कि होली जा रही है, होली आ चुकी है, मतलब आज छोटी होली है, कल बड़ी होली है, कल कलर भाई साहब जम के लगाएंगे, लेकिन मेरे को बस एक ही टेंशन है कि लगाएंगे किसे, यहाँ पे आसपास कोई मतलब ऐसा कोई है ही नहीं ना कि हमारे एज का हो थोड़ा जिसे लगा सकें, क्योंकि आसपास दूर दूर घर है थोड़े, तो कोई दिक्कत हो रही है, बस देखते हैं कल वाले जो हमारे यहाँ के आसपास के जो हमारे रिश्तेदार हैं और थोड़े बहुत जान पहचान वाले हैं, उनके यहाँ पर जाएंगे, और पारस के यहाँ पर भी जाएंगे, पारस को भी लेके आएंगे, उसके लगाएंगे, लेकिन पारस कह रहा मेरा एलर्जी है इससे, गुलाल से, तो देखते हैं कैसा होता सिस्टम। तो फिलहाल तो पहले मैं और पापा जा रहे हैं मतलब कल के लिए कुछ सामान लेने, क्योंकि कल दही बड़े बनते हैं, उसके लिए दही लेके आएंगे, पापा तो कह रहे घर में बना लेते हैं, लेकिन मेरे को घर का दही पसंद नहीं है, इसलिए बाहर से लेके आएंगे, और दूध भी लेके आते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा कल के लिए सामान चाहिए वो लेके आते हैं। तो चलते हैं जल्दी से, ज़्यादा रात होने से पहले पहले, क्योंकि फिर आप होली का पूजा करने के लिए, होली की पूजा करने के लिए मतलब सब लोग जल्दी लिए अपनी दुकानें बंद करके घर घर जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे पूजा करने के लिए, तो हमें जल्दी ले जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम तो हो गया है, 8 बज गए रात के पूरे करेक्ट, जल्दी चलते हैं फिर, चलते हैं। तो भाई अभी रात के 10:45 बज रहे हैं, उधर बज रहे हैं, तो अभी 11 बजे का मतलब यहाँ पे आसपास लग रहा है कि होली जलेगी, तो इधर एक मतलब दो लगी हुई है ना यहाँ पे, तो एक पीछे की तरफ है, एक इधर की तरफ है, जहाँ पे हम गए थे वो तो अभी तक ऐसी की ऐसी है, अभी दहन करानी है, जो पीछे की तरफ थी हमारे घर के पीछे की तरफ, वहाँ पे होली का दहन कर दिया है, अभी हम बाहर गए थे ना देखने, तो अभी चलेंगे हम थोड़ी देर में वहाँ पे, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो डांस ही कर रहे हैं लोग डीजे बजा के, चलेंगे थोड़ी देर में, अभी मम्मी थोड़े बर्तन खाने के जो बर्तन वर्तन है वो साफ़ कर रही हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। और कृष्णा तो अभी लेटा हुआ है, इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं हो रही ना, हल्का जुकाम सा हो रहा है ऐसे, इसलिए कल ज़्यादा होली नहीं खेलेगा, मतलब पानी से नहीं खेलेगा, सूखी सूखी होली खेलेगा, तो ऐसे खांसी भी हो रही है हल्की हल्की, जुकाम भी हो रहा है, तो बस ऐसे परेशान है, सुबह से ऐसे घूम रहा है। तो अभी देखो मेरे मुँह पे जो कलर लगाया था वो ऐसे वैसे बिल्कुल जमा रह गया है, छूटा ही नहीं है, तो सही है, चलो कल कल एक साथ छोड़ा डालेंगे सारा कलर, तो देखते हैं फिर कब तक 11 बजते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो भाई अभी हम घर के बाहर तो आ चुके हैं, तो
और बाहर तो वैसे ज़्यादा कुछ चहल पहल तो नहीं है, लेकिन होलिका के पास में ही है उधर, तो चलते हैं जल्दी से। पापा तो बड़ी जल्दी ले आगे पहुँच गए पार्ट को लेके, बाकी हम सब पीछे चल रहे हैं। चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि होली का तो जल्दी स्टार्ट हो गया, अभी से सारी रात जलती रहेगी, अब सारी रात तो खड़े नहीं रह सकते ना, तो अभी हम लोग तो सब जा रहे हैं। तो हमने देख ली अच्छी रात जलती हुई, पूरी आग पकड़ने में तो बहुत घंटे लग जाएंगे, और लोगों ने खूब गन्ने भी भून लिए, और चलते हैं जल्दी से। मम्मी पापा का वेट करते हैं पहले, वो लोग पीछे रह गए, तो देखो पीछे पूरा बिल्कुल भीड़ भाड़ हो रही है, तो जल्दी से मम्मी पापा को लेके आते हैं, फिर उसके बाद घर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर पे, और मम्मी तुम क्या कर रही हो? अभी भी चल नहीं है ना, 12 बज गए लगभग, तो पौने 12 होने वाला है, तो इन्हें अभी तक चल नहीं है, पता नहीं क्या बनानी है। तो आज बड़ा मज़ा आया पूरे दिन भर, और अब इस वीडियो को ये ख़त्म कर देते हैं। आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, कल को होली की वीडियो में, तो कल वीडियो थोड़ी कम बनाऊंगा ताकि कलर में फ़ोन पूरा गंदा ना हो जाए, फिर भी लेकिन बनाऊंगा अच्छी तरह, कोशिश करूँगा कि कम कलर लगे मेरे हाथों पर और फ़ोन पर। तो बाय बाय।